हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। ये क्या है, ज्वेलर हैज बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड। क्या दिया हुआ, एक ज्वेलर के पास 18 कैरेट गोल्ड का बार है और 12 कैरेट गोल्ड का बार है, ठीक है। हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टूगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेगिंग 120 ग्राम। मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझिए। हम जो गोल्ड ज्वेलरी जो बनाने के लिए गोल्ड यूज़ करते हैं, वो प्योर गोल्ड का कभी भी यूज़ नहीं होता है। तो ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड में अदर एलिमेंट को मिलाया जाता है, किसी दूसरे एलिमेंट को मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो जो हम ज्वेलरी यूज़ करते हैं वो जनरली 22 कैरेट या 20 कैरेट से बनी होती है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया प्योर गोल्ड, नहीं है। प्योर गोल्ड का मतलब होता है जो 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो होता है प्योर गोल्ड, ठीक है। तो ये 18 कैरेट गोल्ड का मतलब इसमें ऑलरेडी कुछ मिलावट है, और ये 20 कैरेट गोल्ड इसमें भी कुछ दूसरा एलिमेंट मिक्स किया हुआ है। हमारे पास ये दो बार है, हमें इसमें से कुछ यूज़ करना है और इसमें से कुछ लेना है। दोनों को मिला के हमें जो बार बनाना है वो बनना चाहिए 16 कैरेट गोल्ड का, ये दिया हुआ है। अ ज्वेलर हैज़ अ बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड, दोनों में से कुछ कुछ गोल्ड हमें लेना है टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड, जो बन के तैयार हो वो 16 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए, वेगिंग 120 ग्राम, और इसका वजन होना चाहिए 120 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स ग्राम गोल्ड ले लेंगे और इसमें से y ग्राम गोल्ड लेंगे। तो दोनों मिला के x ग्राम और y ग्राम मिल के कितना होना चाहिए, 120 ग्राम। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 120, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, इसमें से जो गोल्ड निकल के आ रहा है इसकी प्योरिटी, ये क्या होगा, 18 कैरेट है, तो हम इसको उसमें प्योरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18/24 x प्लस, ये हो जाएगा यहाँ से 12 कैरेट y ग्राम जो है 12 कैरेट, तो 12/24 y इक्वल टू 16/24 इंटू एक्स प्लस वाई। जैसा हमने एसिड वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। वो परसेंटेज के टर्म्स में था, इसको भी हम चाहें तो इनटू 100 कर देंगे यहाँ पे तीनों जगह, तो ये परसेंटेज में चला जाएगा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है परसेंटेज में, इसी में हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम इसको काट देंगे 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 4 बार में, और इसको भी ये भी कट जाएगा 8 से 2 बार में और 8 से 3 बार में। तो ये हो गया 3/4x प्लस 2/4y इक्वल टू 2/3, एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमें पता है 120, तो हम यहाँ लिख लेंगे 120, 3 से कट गया ये 40 बार में, और यहाँ पे एलसीएम सेम है तो ये हो गया 3x प्लस 2y/4 इक्वल टू 40 × 2 = 80। तो 3x प्लस 2y, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। तो एक इक्वेशन ये हो गया और ये हमें सेकेंड दूसरा इक्वेशन मिल गया। दोनों को सॉल्व करते हैं अब एक साथ एक जगह लिख के। तो इसमें क्या है, 3x है तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये भी 3x बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 360, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं 3 नंबर, और सेकेंड इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज रहेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 320। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 3y माइनस 2y, ये आ गया y, 360 माइनस 320 ये आ गया 40, y का वैल्यू मिल गया 40, और x प्लस y दोनों मिला के 120 होना चाहिए, y का वैल्यू 40 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 80, ठीक है। तो x हमने एज्यूम किया था किसको, 18 कैरेट गोल्ड, तो 18 कैरेट गोल्ड जो हम यूज़ करेंगे वो होगा 80 ग्राम और जो 12 कैरेट गोल्ड होगा वो होगा 40 ग्राम, ठीक है।